कौन सा क्लास है ये? अभी क्या पढ़ाई हो रहा है यहाँ पे? सर क्या पढ़ा रहे हैं अभी? राइटिंग डायरी चेक होता है। क्या? राइटिंग डायरी चेक हो रहा है। राइटिंग चेक हो रहा है। कैसे हैं टीचर्स यहाँ के? बहुत अच्छे हैं। स्कूल का नाम बताइए जरा। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्कूल। आपके फेवरेट टीचर कौन हुए? रणधीर सर। रणधीर सर अच्छा पढ़ाते हैं। मारते भी है क्या? मारते भी हैं थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत मारते। अपना नाम बताइए। गौरव। कुछ भी करते हैं क्या? हाँ बहुत। चलिए ठीक। अपना नाम बता दीजिए एक बार। आप बता दीजिए। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। राजधानी पटना में विभिन्न विद्यालयों में जाकर के वहाँ की शिक्षण व्यवस्था को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और जितने भी श्रोता हमारे देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं उन तक ये बताना चाह रहे हैं, ये आवाज़ पहुँचाना चाह रहे हैं कि आने वाले नए सेशन में जो है सो अपने बच्चे के भविष्य के लिए जो बेहतर स्कूल हो, जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था बेहतरीन हो, वहाँ के जहाँ के टीचर जो है सो बेहतरीन हो, वैसे विद्यालयों में जरूर नामांकन कराएं। इसी क्रम में जो है सो हम अभी आपके विद्यालय में आए हुए हैं। क्या कुछ आपका विद्यालय का नाम हुआ सर, अपना परिचय देते हुए यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और टीचर्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। मेरा नाम अजीत कुमार हुआ और मैं राजीव गांधी इंटरनेशनल स्कूल का प्रिंसिपल हूँ और डायरेक्टर भी हूँ। मेरे ही देख रेख में संचालित है और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था आज से 25 साल से इस लाइन में मैं जुड़ा हुआ हूँ और इसको विद्यालय को संवारने का काम किया हूँ। यहाँ के बच्चे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बाहर जो है जॉब में हैं और विभिन्न पदों पर भी हैं और जिस समय ये स्कूल राम किसान नगर में जिस समय स्कूल की कमी थी उस समय से स्थापित है स्कूल। आज 25 साल 20 साल पूरा हो गया इसका सेलिब्रेशन सिल्वर जुबली भी मनाया गया, इसमें बहुत सारे बच्चे जो है भाग लिए और हर क्षेत्र में यहाँ के बच्चे जो भी हैं वो हर क्षेत्र में भाग ले रहे हैं और मैं अपने से हर संभव प्रयास करते हैं कि कम बजट में जो है बच्चे को भविष्य संवारने का एक काम, मतलब कम से कम फीस में जो है सो बच्चों को बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था मिल सके उसके लिए आप प्रयासरत हैं। बस यही मेरा उद्देश्य है कि शिक्षा जो है सभी को जरूरी है और शिक्षा जो है जितना लोग के पास पहुंचे उतने अच्छे हैं और हमारे के यहाँ हर तरह के बच्चे का विकास होता है। टीचर का क्या फीस है? टीचर यहाँ हर सब्जेक्ट का अलग अलग फैकल्टी है और सभी जो है अपना अपना एक विभाग है उनके अंदर में देख रेख होता है। मैथ है तो स्पेशलिस्ट मैथ का देखेंगे, साइंस है तो साइंस का देखेंगे, जो जिनका जो फैकल्टी, मतलब टीचरों की क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं सर विद्यालय में? क्वालिफिकेशन यहाँ जो है ग्रेजुएशन से नीचे जो है कोई टीचर का ग्रेजुएशन कठिन नहीं है, ग्रेजुएशन से ही जो है आरम्भ है कि कोई भी टीचर यहाँ जब भी एंट्री करेंगे तो ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। यहाँ जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं शिक्षक एवं शिक्षिकाएँ वो सारे के सारे DL/AD और BEd किए हुए हैं। उन सभी का बिहार सरकार का पोर्टल पर लोड भी है और उसके ही अंतर्गत जो है